हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सिक्वेंस वाइज करवाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कह रहा है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12। ठीक है, इन सब के साथ कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है एक 9 वोल्ट की बैटरी। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। कह रहे हैं कि 12 ओम रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो पहले देखो, सारे के सारे रेजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज में। कितने वोल्ट के साथ? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, आपको V की वैल्यू गिवन है 9 वोल्ट। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इनको जोड़ते हैं तो ये जाएगा 0.5, ये जाएगा 5, 1, ये 13.4 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना आया? 13.4 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? टोटल रेजिस्टेंस है 13.4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अब ये सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं बेटे? सीरीज में। अच्छा, सीरीज का क्या फंडा है? सीरीज का फंडा ये है कि जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी, उतनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी, उतनी करंट इसमें जाएगी। मतलब मैं इन सब के थ्रू अगर एक ही बार में करंट निकाल लूंगा तो जितनी करंट सब में जाएगी उतनी ही करंट 12 वोल्ट के 12 ओम के रेजिस्टर में जाएगी। तो V इज इक्वल्स टू आई आर रख देते हैं। I की वैल्यू निकालनी है तो V बाई आर हो जाएगा, आर नेट। V कितना है? 9। R कितना है? 13.4। तो 9 को 13.4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं जरा। ठीक है, तो 9 को 13.4 से डिवाइड किया तो मिलता है 0.67 एम्पियर। कितना मिलता है? 0.67 एम्पियर। मतलब 0.67 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो सारे रजिस्टर्स में 0.67 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीरीज में लगे। अगर पैरेलल होता तो पैरेलल का तो केस ही अलग बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। कह रहे हैं कि हम कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दें कि इसके थ्रू करंट कितनी फ्लो करे? 5 एम्पियर की करंट फ्लो करे जब हम उसको 220 वोल्ट लाइन से या 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब जरा देखते हैं। क्वेश्चन होप सो आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने रेजिस्टर्स 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स हम यूज करें पैरेलल में कि उसमें 5 एम्पीयर की करंट फ्लो करे कि 220 वोल्ट का क्या मिल जाए हमें, मतलब 220 वोल्ट सप्लाई वहां पे यूज किया जाए और 5 एम्पीयर की करंट मिल जाए। अब देखो पहले एक बेसिक चीज समझेंगे, ध्यान से समझना। हाँ, मान लेते हैं कि मैं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दे रहा हूं। आर और आर, तो इसका आर नेट कितना मिलता है? ये मिलता है 1/R + 1/R। सॉल्व करते हैं तो 2/R। आर नेट कैसे मिले, कितना मिल जाएगा?
आर बाई टू। ध्यान से समझना हा, अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं तीन रजिस्टर्स को जोड़ देता हूं, अगर मैं इसी तरीके से तीन रेजिस्टर्स को जोड़ देता हूं तो आर नेट कितना मिल जाएगा, वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर, थ्री बाई आर हो जाएगा। आर नेट कितना हो जाएगा, आर नेट की वैल्यू मिल जाएगी आर बाई थ्री। रेसिप्रोकल जरूर करना है। अब इसी तरीके से अगर मैं चार रजिस्टर जोड़ता तो आर बाई फोर, इसी तरीके से अगर मैं पांच रजिस्टर जोड़ता तो आर बाई फाइव, और सेम रजिस्टर्स हैं। अगर इसी तरीके से मैं छह रजिस्टर जोड़ता तो आर बाई सिक्स, और इसी तरीके से अगर मैं एन रजिस्टर्स जोड़ूंगा तो आर नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर बाई एन। आर की वैल्यू आपको गिवन है 176 ओम। कितना गिवन है, 176 ओम गिवन है, ठीक है। तो आर नेट कितना हो जाएगा बेटे, आर नेट हो जाएगा 176 अपॉन एन। हमें इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, समझ में आया ना। देखो मैंने पहले क्या किया, दो रजिस्टर्स जोड़ के देखे और दो इक्वल रेजिस्टेंस जोड़ के देखे, तो देखो रेजिस्टेंस कितना मिला, R by 2। तीन जोड़ते हैं तो R by 3, चार जोड़ते तो R by 4, और अगर पांच जोड़ते तो R by 5, ठीक है। इसी तरीके से 10 जोड़ते तो R by 10 हो जाता। इसी तरीके से अगर हम n जोड़ देंगे तो R by n, R की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अच्छा पैरेलल के केस की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि पैरेलल में है, तो आर नेट कितना हो गया 176 अपॉन। अब ओम्स लॉ लगाते हैं, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटे, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V की वैल्यू गिवन है भैया 220 वोल्ट, I की वैल्यू 5 गिवन है, R की वैल्यू 176 अपॉन N। हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम N को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 220 को नीचे भेज देते हैं। ये 5 से कट करते हैं तो 5 वन टाइम से आएगा और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 44। 176 को 44 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स, n की वैल्यू कितनी हो गई 4। मतलब अगर हम चार रेजिस्टर्स जोड़ दें 176 ओम के पैरेलल में, अगर हम चार रेजिस्टर्स जोड़े हैं 176 ओम के पैरेलल में, तो उसमें उनमें कितनी करंट फ्लो करेगी, 5 एम्पेयर की करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हाउ शो हाउ यू वुड कनेक्ट थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। कह रहे हैं कि आपके पास तीन रेजिस्टर गिवन है 6-6 ओम के, सभी के सभी क्या है इक्वल है, 6-6 ओम के हैं। आप उनको किस तरीके से जोड़ोगे कि नाइन उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम मिल जाए, पहला केस। दूसरा केस है कि 4 ओम का रेजिस्टर मिल जाए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास तीन रेजिस्टर गिवन है, कौन कौन से, 6-6 ओम के गिवन है, और आपको उनको किस तरीके से जोड़ना है कि पहले वाले केस में कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम मिल जाए और दूसरे वाले केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाए। अब देखो क्या है, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कैसे जोड़ना है, लेकिन अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करें तो हम क्या करते हैं, केसेस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां पर बनाते हैं केसेस। पहला, अगर हम इनको तीनों को कैसे जोड़ दें, सीरीज में जोड़ देते हैं। अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 ओम। क्या 18 ओम का रिक्वायरमेंट है हमें, नहीं है, तो मतलब ये वाला केस तो नहीं होगा, मतलब हम तीनों को सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। दूसरा केस कि तीनों को भी पैरेलल में बना के देख लेते हैं। देखो मैं सारे केसेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब जब ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे जोड़ना है, लेकिन जब तक आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है आपको सारे केसेस बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है कि अगर मैं इनको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लूं, ऐसे ऐसे 6 6 6, तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 3/6 कट करेंगे तो 1/2, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। क्या हमें 2 का रिक्वायरमेंट था, 2 का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मतलब तीनों के तीनों को भी हम पैरेलल में
यूज नहीं करेंगे। अब और किस तरीके से कर सकते हैं, देखो सीरीज में भी हमने कर लिया, पैरेलल में भी कर लिया, अब और क्या कोई केसेस बन सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला केस क्या बना सकते हैं, अगले केस में हम क्या करते हैं कि दो को पैरेलल में यूज कर लेते हैं और एक को उनके साथ सीरीज में, ये सिक्स, ये सिक्स और ये सिक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, दो को पैरेलल में यूज कर लिया और एक को उनके साथ सीरीज में। अब ये सिक्स है, ये सिक्स है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा 3 ओम। ये सिक्स और ये सिक्स जो दोनों हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं, अब इनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस बना लेंगे हम 3 ओम का, और एक साथ में 6 ओम लगा हुआ है, तो आर नेट कितना हो जाएगा, 3 + 6 9 ओम, कितना हो जाएगा 3 + 6 9 ओम, मतलब हमें 9 ओम का रिक्वायरमेंट था, तो 9 ओम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो को बेटे इस तरीके से पैरेलल में और एक को उनके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो पहला केस तो हमें मिल गया। अब दूसरा केस देखो क्या, हमने सबको सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया, पैरेलल में कनेक्ट करके देख लिया, दो को पैरेलल में और तीसरे को उनके साथ सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया, और भी कोई केस बन सकता है? हाँ जी एक केस और बन सकता है, कौन सा केस बन सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं। कौन सा केस है, जो चौथा केस बन सकता है कि भाई मैं क्या करता हूं कि दो को सीरीज में और इन दो के साथ तीसरे को पैरेलल में जोड़ दूं, ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है। अच्छा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12, मतलब अभी ये 12 और ये 6 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। सॉल्व करते हैं तो 1/12 + 1/6 एलसीएम आएगा 12 या 1, यहां पे 2, 3/12 कट करेंगे तो 1/4, आर नेट रेसिप्रोकल जरूर करना है 4 ओम। तो देखो 4 ओम का रिक्वायरमेंट था, हाँ जी कैसे मिला 4 ओम, जब हमने दो को इस तरीके से सीरीज में जोड़ा और इनके साथ तीसरे को जोड़ा पैरेलल में, और हमें मिल गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। इस वाले में हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया था, उसमें 4 ओम का, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट लाइन, मतलब कुछ बल्ब्स को डिजाइन किया गया कि इसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ यूज किया जा सके, ठीक है। हर बल्ब की पावर रेटिंग है 10 वाट, मतलब सारे बल्ब का जो पावर है, सभी बल्ब का जो पावर है वो कितना है, 10 वाट। अब कह रहे हैं हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैंप्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें विद ईच अदर द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पीयर। कह रहे हैं कि भैया जो बल्ब है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे वर्क कर जाए, सभी जो बल्ब थे सबका जो पावर है वो 10 वाट का है, ठीक है। इनको हमने कैसे जोड़ना है, पैरेलल में जोड़ना है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में जोड़ना है, और जो किसके साथ जोड़ना है, 220 वोल्ट लाइन के साथ, और जो मैक्सिमम करंट उसके थ्रू फ्लो हो सकती है वो है 5 एम्पीयर। क्या कह रहा है, देखो मान लेते हैं एक बल्ब ये हो गया, दूसरा बल्ब ये हो गया, तीसरा बल्ब ये हो गया, ये इस तरीके से हम ऐसे इस तरीके से हम जोड़ेंगे, ये यहाँ पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं ये भी 10 वाट का है, ये भी 10 वाट का है, ये भी 10 वाट का है, इसी तरीके से कितने बल्ब को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ दें पैरेलल में कि इनके थ्रू सभी के थ्रू 5 एम्पीयर की करंट फ्लो, मतलब मैक्सिमम करंट जो सभी में टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पीयर की करंट। क्वेश्चन समझ में आ रहा, क्या कह रहा है कि कितने हम लैंप्स को पैरेलल में जोड़ दें कि जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो। अब इसका कैसे करना भाई सॉल्यूशन, तो जरा देखो, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं कि टोटल पावर कितनी है, पावर टोटल पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है, V कितना है 220, करंट कितनी है 5,
मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो सारे बल्ब हैं उनका जो टोटल पावर है वो कितना होना चाहिए, वो ये 1100 वॉट होना चाहिए। सभी बल्ब का टोटल पावर कितना होना चाहिए, 1100 वॉट के बराबर होना चाहिए। अब पूछ रहे हैं कि भैया कितने बल्ब को जोड़ना है, तो देखो जब एक बल्ब कितने का है, 10 वॉट का, तो n इंटू 10, n क्या नंबर ऑफ बल्ब्स इंटू 10, एक बल्ब का पावर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1100। ठीक है, जब एक 10 का है तो 2 20 के हो जाएंगे, 3 30 के हो जाएंगे, 4 40 के हो जाएंगे, तो n कितने हो जाएंगे, 10n। n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कितना आ गया, 110 बल्ब। मतलब हम कितने बल्ब को जोड़ेंगे, हम 110 बल्ब को जोड़ेंगे कैसे, पैरेलल में, कि उनके थ्रू जो मैक्सिमम जो टोटल करंट फ्लो हो वो 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो, जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 13 के आगे के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय बच्चों।